तो दोस्तों कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं एक परफ्यूम का। जैसे कि मैंने रिसर्च किया नेट के ऊपर कि डीओ की वजह से क्या क्या मुसीबतें हमारे बॉडी के ऊपर आ सकती हैं, परफ्यूम की वजह से भी आ सकती हैं, लेकिन परफ्यूम्स उतने ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं जितने डीओ होते हैं, क्योंकि डीओ हम ज्यादा करके पूरे बॉडी पे मतलब पूरे हमारे स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। परफ्यूम हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने कपड़ों के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, तो ये उसका ऑल्टरनेटिव हो जाता है कि परफ्यूम चूज करना चाहिए। लेकिन गाइज अगर इजी वे में आप समझना चाहते हैं तो जो परफ्यूम होता है वो एक विस्की की तरह है एंड गाइस जो डीओ है वो एक बियर की तरह है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है गाइस, समझने वाले समझ गए होंगे। एक्चुअली गाइस मैं बहुत टाइम से इसको यूज कर रहा हूं, तो इसका एक ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास में आ चुका है गाइस, जो मैं आपको डिलीवर कर सकता हूं। एंड गाइस ये एक ईडीपी परफ्यूम है एंड गाइस क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको मिलता है करीब करीब 100 ml का लिक्विड। लेकिन जिन लोगों को मालूम होगा ईडीपी के अंदर में कम से कम जो एक्चुअल परफ्यूम होता है वो 15 से 20% ही होता है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि इस साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन छपी है, मार्केटेड बाय आदेश ट्रेडिंग अहमदाबाद। अहमदाबाद की जो कंपनी है वो मार्केटिंग इसका देखती है। लाइक मैन्युफैक्चरिंग बाय खुशी एरोसोल अहमदाबाद, मतलब जो खुशी एरोसोल है अहमदाबाद से वो इनका मैन्युफैक्चरिंग करती है गाइस गुंडे परफ्यूम का। एंड गाइस मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, उसके बाद में नेट कंटेंट जो 100 ml है लिक्विड, इसके अंदर में 100 ml है, लेकिन परफ्यूम इसके अंदर में सिर्फ 15 से 20% ही आता है गाइस। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो एमआरपी इसका 599, मतलब 600 रुपए के आसपास है इसका एमआरपी। लेकिन भाई एमआरपी पे इसको मत लेना, ये उससे भी सस्ता मिल जाता है। ऑफलाइन में जब मैंने इसको परचेस करा था, एक मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही एक शॉप है, उसने 480 के आसपास मुझे ये दे दिया था। एंड गाइस उसके बाद देखेंगे आप मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है यहाँ पे 9/22, मतलब सितंबर 2022 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। इसके बाद में जो उसका एक्सपायरी डेट है वो 8/25, मतलब 8/25 आठवें महीने 2025 तक यूज हो जाना चाहिए। एंड गाइस जब आप इस साइड में टर्न करेंगे तो प्रिकॉशंस के तौर पे आप देखोगे हाईली फ्लेमेबल है, मतलब 50 डिग्री के आसपास में आप इसको कहीं भी हीट पे एक्सपोज मत करना। इसके अंदर में ज्यादा करके कंटेंट जो है अल्कोहल का थोड़ा डेंजरस है, तो जैसे हीट वाली एरियाज है तो उस एरियाज में आप इसको छिड़कना या फिर कहीं ट्राई वगैरह मत कर लेना भाई। तो हाईली इनफ्लेमेबल है, यहाँ पे प्रिकॉशन में पहले ही बताया गया है, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखना भाई। तो गाइज इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इथिल अल्कोहल डिनेचर, गाइज जो केमिकल कॉस्मेटिक्स होते हैं उसके अंदर में डिनेचर ही ज्यादा करके अल्कोहल यूज होते हैं। वो अल्कोहल ही होता है लेकिन वो कंज्यूमेबल नहीं होता है गाइज, उसको कंज्यूम ना करें, इसके लिए उसके अंदर में केमिकल मिक्स किए जाते हैं, उसी को कहते हैं डिनेचर अल्कोहल। सो गाइज इंग्रेडिएंट्स को अगर आपको पढ़ना होगा तो उसकी क्वांटिटी वगैरह इंग्रेडिएंट्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसके इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद में गाइज डायरेक्शन फॉर द यूज, सो गाइज इसको कैसे प्रॉपरली यूज करना है तो उसके बारे में भी यहाँ पर प्रिकॉशन या फिर आप कह लो मेथड यहाँ पर लिखी हुई है। होल्ड द बॉटल अपराइट एंड कीप इट अबाउट द 10 cm अवे फ्रॉम क्लॉथ ऑन योर पल्स पॉइंट्स इंक्लूडिंग कॉलर ब्रेस्ट और वेर एवर यू आर। गाइज बेसिकली इन्होंने ये बताया कि जो हमारे मेन एरियाज होते हैं जैसे कि कंधे हो गए, कॉलर हो गए या फिर आपका गला हो गया, तो वहां पर आप इनको यूज कर सकते हो। मतलब 10 cm के डिस्टेंस से आप इसको छिड़कना, जो स्मेल है या फिर जो स्प्रे है वो इवनली स्प्रेड होगा आपके बॉडी के ऊपर और लॉन्ग टर्म तक टिक सकता है। एंड गाइस बेशक इसी रेंज में और अच्छे अच्छे परफ्यूम्स भी हैं, लेकिन अभी मैं इसको यूज कर रहा हूं तो मैं सोच रहा था कि इसका एक रिव्यू वीडियो बना दूं। एक्चुअली ये मेड अप ऑफ ग्लास है गाइस, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको कीप करना। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे इसको रख दोगे जहां पे ये गिर सकती है, तो अगर गिर गई 1-2 मीटर की हाइट से तो भाई ग्लास टूट सकता है, किसी के पाँव में लग सकता है, किसी के हाथ में लग सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप इसको सेफ प्लेसेस पे रखें। सो गाइस अगर आप ढूंढ रहे हो कोई बजट फ्रेंडली परफ्यूम और अगर ये आपके आसपास में या फिर ऑनलाइन में आपको अवेलेबल होता है तो गाइस ब्लू वाला मैं आपको रिकमेंड करूंगा। जिनको स्वीट चाहिए, मतलब थोड़ा मीठी टाइप खुशबू चाहिए, तो वो लोग भाई वो स्वीट वाला परफ्यूम मतलब वो फ्लेवर आप ले सकते हो, लेकिन मुझे ये वाला पसंद आया। इसमें थोड़ी मैच्योर वाली फीलिंग आती है और इसकी जो खुशबू है वो थोड़ी माइल्ड है, मैच्योर मस्कुलर एंड माइल्ड खुशबू, तो भाई कॉम्बिनेशन ही अलग हो जाता है, एकदम बढ़िया लगता है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ब्लू पैकेट के अंदर में जो ब्लू परफ्यूम का टाइप है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड टेम्पटेशन नहीं है जैसे कि जो भिंडी बाजार में 100 के 3 मिलते हैं। एक्चुअली मैंने भी उनको स्मेल करा है लेकिन मैंने वो यूज नहीं करे गाइस, वो बहुत ज्यादा हाई टेम्पटेशन पे होते हैं, बहुत ज्यादा उनकी जो इंटेंसिटी होती है स्मेल की बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसके ऐसे नहीं है। एंड गाइस ये परफ्यूम 3 टाइप में आता है, जिसके अंदर में एक रेड पैकेट होता है एंड ये जो ब्लू वाला है एंड एक और होता है जो ग्रीन वाले में आता है। एक्चुअली जो रेड वाला है वो थोड़ा सा लिटिल स्वीट आता है, वो भी काफी अच्छा है, लेकिन वो थोड़ी सी चॉकलेट बॉय वाली फीलिंग देता है। अगर आप उस टाइप में पसंद करते हो या फिर आपको अगर पसंद है स्वीट वाली खुशबू सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगती है तो आप उसको भी परचेस कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा माइल्ड और मैच्योर खुशबू बहुत ज्यादा पसंद होती है एंड ये मैंने इसी के लिए चूज किया है गाइस। एंड गाइस अगर ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादा से ज्यादा
3 से 4 घंटे, मतलब वो भी डिपेंड करता है कि अगर आप फील्ड वर्क पर काम कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे तक ये टिकेगा आपके बॉडी के ऊपर, एंड अगर आप काम कर रहे हो वैक्यूम में तो ज्यादा टाइम तक टिक सकता है। ज्यादा से ज्यादा 3.5 4 घंटे में ये पूरा फेड हो जाता है बॉडी के ऊपर से। सो गाइज, 400 से 500 रुपए के आसपास में कोई माइल्ड खुशबू वाला अगर आप परफ्यूम ढूंढ रहे हो तो ये एक अच्छा परफ्यूम साबित हो सकता है आपके लिए। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो सबको पसंद आई होगी, एंड वीडियो पसंद आई तो क्या करना है आपको मालूम है। गाइज मिलते हैं किसी अगले वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।